बहुत दिनों नहीं, काफ़ी सालों के बाद, इनफैक्ट 6 साल के बाद बहुत ही लंबी ट्रिप पे हम लोग निकले हैं, ड्यूरेशन वाइज भी, और जो हमारी जर्नी शुरू हो रही वो भी काफ़ी लंबी है, लगभग 16-17 घंटे की नई ट्रिप शुरू हो रही है। वो हम लोग कहाँ जा रहे हैं चिक्की? कोरिया एंड जापान। कोरिया एंड जापान, पहले हम लोग यहाँ से जा रहे हैं साउथ कोरिया वाया हांगकॉन्ग। पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा इमिग्रेशन और चेकिंग का एक्सपीरियंस कैसा था। होटल हमें लगे 35-40 मिनट राइट फ्रॉम चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, कुछ ज़्यादा सवाल जो आपने, वैक्सीनेशन अभी कोई नहीं पूछता है, और RT-PCR तो ऑफकोर्स कोई नहीं पूछ रहा है, और क्या पूछा है इमिग्रेशन में? क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बस इतना ही पूछा। और चेक इन में वीज़ा देखा, पासपोर्ट देखा, बस बोर्डिंग पास दे दिया, चले आए। मुंबई से सोल की यात्रा आप कर सकते हैं सिर्फ 24,000 रुपये में। कैसे कर सकते हैं, कौन सी एयरलाइन से, वो मैं आगे बताता हूँ। पहली बार मैंने क्लिक बेट थंबनेल का यूज़ किया है, क्योंकि ये 24,000 वाली फ़्लाइट लेके मैं सोल नहीं जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ, चलिए आगे उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि ये मैं जो लाउंज है, लॉयल्टी लाउंज, उसको छोड़ के आया हूँ मैकडी में रात के 11:30 बजे बर्गर और फैंटा पीने के लिए, बर्गर खाने के लिए, फैंटा पीने के लिए। और इंडिया में पहली बार एक चीज़ और मैंने देखी मैकडी के अंदर, कि ऐसे हैं टेबल पे इन्होंने वायरलेस चार्जर्स लगा रखे हैं। आप लोग बताइएगा कि कहाँ कहाँ आप लोगों ने मैकडी में वायरलेस चार्जर्स देखे हैं। लाउंज के लिए जो वेटिंग की लेंथ इतनी लंबी थी कि हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वहाँ लाइन लगा के अंदर जाए। और जो लाउंज है मुंबई के इंटरनेशनल डिपार्चर टर्मिनल में, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है उतने वेट के लिए, उतनी लंबी लाइन में लगने के लिए। बहुत सारे फूड कोर्ट में ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसे मैगी, स्टारबक्स और इंडियन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पर आराम से टाइम पास कर सकते हैं, भूख लगी तो खाना खा सकते हैं। लाउंज के चक्कर में ज़्यादा परेशान मत होइएगा। बैठे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, 1.5 घंटा भी है बोर्डिंग के लिए, जब तक टाइम है तब तक आप लोगों से बात कर लेता हूँ, इस ट्रिप से जुड़ी तमाम जानकारी आप लोगों से शेयर करते हैं। साउथ कोरिया और जापान जब जाना था तो चिक्की का एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट था, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, कि साउथ कोरिया और जापान आप अकेले बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। और फॉर्चुनेटली भगवान जी की कृपा से एक ही ट्रिप में हम दोनों ही जगह कवर कर रहे हैं, साउथ कोरिया भी और जापान भी। तो चिक्की, आर यू हैप्पी? यस, वेरी हैप्पी। अभी जब से के पॉप का ज़माना है, जो जेन जी हैं, अपने आप को जेन जी बोलते हैं लोग, जेन जी लोग एकदम पागल हुए पड़े हैं कोरियन पॉप स्टार्स के लिए, और कोरिया का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक क्लिक बेट वाला थंबनेल मैंने लगाया है 24,000 रुपये में आपसे यात्रा करें साउथ कोरिया की। क्यों क्लिक बेट था वो मैं आपको बताता हूँ। जिस 24,000 के टिकट की मैंने बात की थी वो है मौके पे चौका। कभी कभी वेट जेट एयरलाइंस की कुछ डील्स आती हैं जिसमें आपको 24,000 रुपये में सियोल से मुंबई का रिटर्न टिकट मिल जाता है। मैं अभी जो फ़्लाइट लेके जा रहा हूँ वो है कैथे पैसिफिक। टोटल कुछ 40,000 प्लस का टिकट पड़ा था, 42,000-43,000 पर हेड, मुंबई से सियोल जाना एंड टोक्यो से मुंबई वापस आना। तो ये उतना सस्ता नहीं है, पर दो कंट्री कवर कर रहा हूँ, उस हिसाब से प्राइस बुरा भी नहीं है, क्योंकि कैथे पैसिफिक में बैगेज अलाउंस काफ़ी होता है, काफ़ी अच्छी एयरलाइंस हैं, कैसी फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज कैसी हैं, वो सारी चीज़ें आगे मैं वीडियो में दिखाता हूँ। बट हाँ, वीएचजेट से जाएंगे तो आपको बैगेज भी लेना पड़ेगा, और सर्विसेज कैसी हैं, वियतनाम की ट्रिप में मैंने आपको बताया था। इस फ्लाइट की डिटेल मैं बता देता हूँ। मुंबई से रात को 1:25 पे फ़्लाइट उड़ती है और हांगकॉन्ग के लोकल टाइम में पहुँचती है 9:50, जो कि इंडिया से 2.5 घंटे आगे है। वहाँ पर मुझे ले ओवर है 6:30 घंटे का। उसके बाद फिर शाम को मेरी दूसरी फ़्लाइट है हांगकॉन्ग से सियोल की। और फ़्लाइट के बाद हम लोग बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे में। मैंने अप्लाई किया मुंबई से, मुंबई में बहुत सिंपल सा था, एक लिस्ट दे रखी है उन्होंने, मैं जो काउंसलेट है साउथ कोरिया का, उनकी वेबसाइट पे लिस्ट है, लिस्ट में कुछ ट्रैवल एजेंट्स के नाम हैं, उन ट्रैवल एजेंट्स को आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट शेयर करेंगे, जो कॉस्ट है वो शेयर करेंगे, डॉक्यूमेंट जो यूजुअली जो वीज़ा में लगता है वही सारा चीज़ चाहिए था, पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, प्लस आपको जो इनकम डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो GST सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर सैलरीड हैं तो लीव लेटर, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, सैलरी स्लिप्स, सेविंग बैंक अकाउंट, दोनों ही केसेस में चाहिए होता है। तो इस तरह से
और जो वीज़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगा वो कैलेंडर डेज पकड़े तो लगभग 15 दिन लगा, और छुट्टी उट्टी काट के कुछ 10 दिन के अंदर इन्होंने वीज़ा प्रोसेस कर दिया था। वीज़ा जो है वो स्टिकर लग के पासपोर्ट पे नहीं आता है, वो वीज़ा आपको एक पीडीएफ फाइल होती है जिसको प्रिंट आउट लेके आपको कैरी करना होता है। कॉस्ट इस वीज़ा का था 2800 रुपये, जो कॉन्सुलेट की फ़ीस थी जिसका डीडी बना के आपको देना होता है, और जो एजेंट हैं हाना ट्रैवल एजेंसी करके मुंबई में, साउथ मुंबई में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी सर्विसेज रही उनकी, आई एम वेरी हैप्पी। तो उनको कॉन्टैक्ट करके अगर आपको साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, और उनकी भी कुछ जो सर्विस चार्जेस थे काफ़ी नॉमिनल से थे, कुछ 1200-1300 के आसपास उन्होंने लिया, जिसमें सारी चीज़ें उन्होंने करके दी, कॉन्सुलेट में एप्लीकेशन डालना, वापस पासपोर्ट कलेक्ट करना, पासपोर्ट घर तक भेजना, सारी चीज़ें। वीज़ा के केस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो वीज़ा इशू करती है साउथ कोरियन गवर्नमेंट वो वैलिड होती है 90 दिनों के लिए, सिंगल एंट्री लेंगे तो 90 दिनों तक आप जाके वहाँ पर रह सकते हैं। दिल्ली और कोलकाता के केस में आप अप्लाई कर सकते हैं बीएफएस के थ्रू, तो आपको बीएफएस के साइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, खुद ही जाके एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। अगर आप किसी और एजेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं बीएफएस में सबमिट करने के लिए तो कर सकते हैं, पर कॉस्ट वहाँ बढ़ जाती है। इस मामले में मुझे मुंबई बेटर लगा क्योंकि एक ही एजेंट था, वही ऑथोराइज था, उसने ही सब कुछ करना था, उसने ही सबमिट करना था, तो कॉस्ट उतनी थी जितनी कि आप दिल्ली में रह के बीएफएस को डायरेक्टली जाके खुद सबमिट करेंगे। जापान का वीज़ा भी उन्होंने ही कराया। जापान के वीज़ा के बारे में हम लोग बात करेंगे जापान के ट्रिप में। थैंक यू। बेसिकली ये है मेरा लेग स्पेस, मैंने जो पिछली ट्रिप की थी एयर मॉरिशस की उसका लेग स्पेस कहते हैं स्पेसिफिक से डेफिनेटली बेटर था। ये है इनका इंफोटेनमेंट स्क्रीन, काफ़ी अच्छा है इनका, काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, लेटेस्ट रिलीजेज देखिए, इंडियन सिनेमा भी है, यूरोपियन है, जापानीज है। कैसा लग रहा है? इट्स डेफिनेटली अ मिलियन टाइम्स बेटर देन वीएयरजेट एंड इट्स प्रिटी ऑफ लेग स्पेस फॉर मी बट आई डोंट नो अबाउट माय डैडी। बज गए हैं मुंबई में और हांगकांग में बचे हैं 5:30। सर्व किया गया है मैं डिनर, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा था वेजिटेरियन नेम को मीट, साथ में ऑरेंज जूस। अगर आप एल्कोहलिक बेवरेज चाहते हैं तो विभिन्न का बियर, वाइन, रेड वाइन, व्हाइट वाइन, विस्की, शौकीन है तो थोड़ा ही एल्कोहल, लेकिन मैं भी ऑरेंज जूस अभी खा के पी के बताऊँ जाएगा सर। कटकूट है, ये ब्राउनी है डेजर्ट में, रायता, राजमा, राइस, पनीर, ब्रेड, बटर, अचार, काफ़ी सारे आइटम है। टेस्ट में कैसा है? टेस्ट में कैसा चिकन? इट्स वे बेटर देन अदर एयरलाइंस, वे बेटर, या गुड थम्स अप फॉर चिकन। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वो एयरपोर्ट है जो कि हब है कैथे पैसिफिक का, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमें फैसिलिटीज़ देखनी थी, हमें तो फैसिलिटीज़ देखनी है ट्रांजिट एरिया की। फ़्लाइट है 4:30 बजे की, अभी बज रहे हैं 9:30 लोकल, मुंबई में बज रहे होंगे 7, और हमारा जो डेस्टिनेशन है सोल वहाँ पर बज रहे होंगे 10:30। अरावल गेट पर ऐसे काफ़ी सारी ट्रॉलीज रखी हैं छोटी वाली, जिस पर हमने अपना सामान टिका दिया, और अगर आप इन्फेंट्स के साथ ट्रैवल करें छोटे बच्चों के साथ तो उनके लिए स्ट्रॉलर्स भी हैं। टाइम है सुबह सुबह का, कॉफ़ी की तलब लगी, दुनिया के सबसे मशहूर कॉफ़ी शॉप स्टारबक्स पर पहुँच गए हम लोग, दूध वाली काफ़ी यानी कि कैफ़े लाते पीने के लिए। लाउंज चेयर पे बैठ के ये घर से लाया हुआ ठेपले का नाश्ता हो रहा है, और यहाँ ये जो चार्जिंग पोर्ट्स पॉइंट्स बने हुए हैं, दिख रहा है कि नहीं चार्जिंग पॉइंट? हाँ, ये जो चार्जिंग पॉइंट बने हैं इनको देख के मैं बहुत खुश हुआ था कि चलो सब चार्ज कर लूँगा, लेकिन यहाँ चार्जिंग पॉइंट में पावर ही नहीं है। मैंने सोचा रैंडमली ज़रा स्पीड टेस्ट किया जाए एयरपोर्ट पर कितनी स्पीड आ रही है, ये चेक किया
ये दिखाई दिया मुझे 115 Mbps डाउनलोड एंड 182 Mbps अपलोड, सरप्राइजिंगली गुड। आप लोगों का एक्सपीरियंस कभी एयरपोर्ट पे इतनी फास्ट स्पीड करा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। घर से लाए हुए पूड़ी अचार और स्टारबक्स की 44 हांगकॉन्ग डॉलर की कॉफ़ी पी के सेटल हो गए मस्त अपने लाउंज चेयर पे। यहीं पे बिताने हैं 4-5 घंटे और फिर अगली फ्लाइट पकड़ेंगे। जब आप अराइवल पर आते हैं ट्रांसफ़र के लिए आपको बीच में सिक्योरिटी चेक एक बार फिर से करना होता है डिपार्चर पे आने के लिए। यूजुअल प्रोसेस है, बहुत टाइम भी नहीं लगा, 5-7 मिनट में सिक्योरिटी चेक करके वापस हम लोग डिपार्चर एरिया में आ गए। और काफ़ी सारे गेट्स हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, इस तरह के लाउंज चेयर्स काफ़ी सारे लगे हुए हैं। आपके अगर लॉन्ग लेवर्स हैं चादर तक के लेके आइए, आराम से मस्त होइए। डिपार्चर गेट्स के पास इस तरह से काफ़ी सारे वाटर जोन बना रखे हैं जिसमें डिस्पेंसर लगाया गया है, ग्लासेज हैं और हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों ही निकलता है। क्योंकि कैसे निकलता है ज़रा दिखाओ, ब्लू यस रेड फॉर हॉट एंड ब्लू फॉर कोल्ड। एक्चुअली काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, सारे एयरपोर्ट्स पे होती तो कितना मज़ा आता है ना। लंच का टाइम हो गया इसलिए हमने अपने कप्पा नूडल में डाल दिया पानी गर्म और इंतज़ार कर रहे हैं इसके पकने का। काफ़ी पकते हुए 4-4.5 घंटे हमने बिता दिए हैं, अभी भी 2-2.5 घंटे बचे हुए हैं फ्लाइट डिपार्चर के लिए। हमने तो पूरा टाइम एयरपोर्ट पर बिताया लेकिन आपके पास टाइम अगर जाता है, हमारा जो डिले ओवर था 6-6.5 घंटे का थोड़ा ट्रिकी था, जाना आना आप हांगकॉन्ग सिटी में क्या कर पाएंगे वो सब डाउटफुल था, इसलिए मैं बाहर नहीं गया। और मेरे बाहर नहीं जाने का दूसरा रीज़न ये था कि मेरा जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन जो मैंडेटरी होता हांगकॉन्ग में वो अनसक्सेसफुल रहा। अनसक्सेसफुल के पीछे जो रीज़न मैं समझ पा रहा हूँ वो रीज़न था शायद मेरे जो शेंगेन वीज़ा का रिजेक्शन था, उसमें क्वेरी आती है कि क्या आपका कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, मैंने हाँ डाला था, शायद इसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल रहा होगा। पर अगर आपका PAR यानी कि प्री अराइवल सक्सेसफुल होता है, आपके पास टाइम जाता है, तो आप यहाँ से हांगकॉन्ग सिटी जाके 2-4 चीज़ें एक्सप्लोर करके वापस आ सकते हैं अपनी अगली फ्लाइट पकड़ने के लिए। एशियन कंट्री घूमने निकले हैं तो मेक शिफ्ट चॉपस्टिक से नूडल खाने की तैयारी हो रही है। तैयारी नहीं हो रही, सक्सेसफुली खाया मैंने एक्चुअली। दैट इज नॉट हाउ यू ईट विद चॉपस्टिक्स। अभी भी मैं सीख रहा हूँ ना, ट्रेंड नहीं हूँ। We're still good. Makeshift chopstick for noodles. दोस्तों ये पीछे जो 64 नंबर है ये हमारा बोर्डिंग गेट है सोल की फ्लाइट के लिए। लाइन लग चुकी है, लोगों की बोर्डिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप लोगों को वीडियो अगर अभी तक अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस जर्नी के सेकेंड लेग पे चलते हैं हांगकॉन्ग से सोल की तरफ। मुंबई हांगकॉन्ग की फ्लाइट में जो खाना था ऑलमोस्ट सेम ही है। एक रात में एक जगह पे मशरूम की सब्ज़ी रहती है और ये कुछ ब्रेड के कुछ वेरिएंट है, खाने में भी ऑलमोस्ट सेम सा ही है। साउथ कोरिया की राजधानी सोल के इंचियोन एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। टोटल 3.5 घंटे की जर्नी करके हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे सोल के। अभी यहाँ से इमिग्रेशन, बैगेज कलेक्शन, वो सारा चीज़ें बची हुई हैं। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो हमारा रहा वो फ्लाइट का काफ़ी अच्छा रहा। लेग स्पेस अच्छा था, सर्विस अच्छी थी, खाने की क्वालिटी डिसेंट थी। ये जो एयरपोर्ट है सोल से कुछ 50-60 किलोमीटर दूर है, यहाँ से शहर कैसे जाते हैं उसके बारे में आगे बातें करेंगे। यहाँ पर आपको क्यू कोड दिखाना होगा जो ऑनलाइन एक वेबसाइट है वहाँ पे भर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा। उसको अपनी सारी डिटेल देनी होती है, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, पूरी डिटेल देंगे। आपको एक क्यू कोड मिल जाएगा जो मेरे फ़ोन में सेव है, वो अभी इनको दिखाना होगा। क्यू कोड का प्रोसेस बहुत सिंपल सा, अनु अभी करा रखे आई, सिंपली स्कैन करना है, फ़ोटो खिंचवानी है और आगे बढ़ जाइए। इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं पूछा। अराइवल कार्ड जो हमने ऑलरेडी फ़्लाइट में भर रखा था पासपोर्ट के साथ और बोर्डिंग पास के साथ इनको दिया, इन्होंने एक छोटा सा स्टिकर प्रिंट करके पासपोर्ट में चिपका दिया एंड यूर थ्रू। भीड़ हालांकि काफ़ी थी पर अच्छे से मैनेज किया।
हम लोग पहुँचे और साथ में हमारे बैग भी पहुँचा है। एक्चुअली ये लास्ट स्लॉट ही था बैग का, लेकिन निकलते हैं बैग यहाँ से बाहर और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि सियोल का जो एयरपोर्ट है इंचियोन, यहाँ से आप सिटी तक कैसे जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं, वो सारी बातें अगले वीडियो में। आप लोग ये दो प्लेलिस्ट है मेरी रीसेंट ट्रिप्स की, तब तक इसको देखिए, इन्जॉय कीजिए। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, नेक्स्ट वीक इनफैक्ट। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।